बिहार में जंगल राज का दावा तो विपक्षी पार्टियां हर चुनाव में करती रही हैं, लेकिन बिहार के हाजीपुर में सोमवार दोपहर जो हुआ उसने जंगल राज के दावों पर पुख्ता मोहर जरूर लगा दी है। जिस खाकी का हम प्रदेश की जनता की रक्षा करना है, जब वो ही सुरक्षित ना रहे तो फिर हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मामला हाजीपुर का है। सोमवार 16 अक्टूबर की दोपहर बदमाशों ने गोली मारकर एक सिपाही की हत्या कर दी। इस पूरी घटना की आंखों देखी पुलिस वाहन चालक ने बताई है। उसने बताया कि पुलिस टीम गश्त पर थी, उस दौरान तीनों आरोपी बैंक के सामने खड़े थे। माना जा रहा है कि वो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। आरोपियों को जब रोका गया तो बाइक पटक कर वो भागने लगे, जिस पर पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा और दूसरे को पकड़ने लगे तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सिपाही को 4 गोलियां लगी। गोली लगने के बाद वो अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उस सिपाही को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस घटना ने यही खड़ा किया है कि जिस प्रदेश में खाकी ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता का क्या हाल होगा।